अनूपपुर नपासी अमोद ज्योति सिंह व उनके पति पर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। नपा में सहायक राजस्व निरीक्षक गजाला परवीन ने यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएमओ और उनके पति ने जातिगत गाली गलौज की। उन्होंने इसकी शिकायत एसपी से की है। सीएमओ ज्योति सिंह ने गजाला परवीन को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किया है। गजाला परवीन ने आरोप लगाया कि सीएमओ ज्योति सिंह के पति एसके सिंह पत्नी के पद का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पति पत्नी ने विवाद कर गाली गलौज की और जातिगत टिप्पणी भी की। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने सीएमओ से बाथरूम की व्यवस्था करवाने की बात कही। ज्योति सिंह व उनके पति एसके सिंह ने कहा कि आप बाहर बाथरूम करने जाएं। उन्होंने कहा कि वह महिला है, बाहर कैसे जा सकती हैं। पीड़ित ने कहा महिला कर्मचारी कहाँ जाए। तब ज्योति सिंह के पति एसके सिंह ने कहा कि ज्यादा नियम कानून बताओगी तो रीवा बहुत दूर नहीं है, तुम्हारा रीवा पहुंचना मुश्किल कर दूंगा, इतने केस में फंसाऊंगा कि सफाई देते देते मर जाओगी, स्वीपरों से तुम्हें यहीं कहीं दफन करवा दूंगा, तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, तुम अकेले अनूपपुर में नौकरी करती हो, कभी भी तुम्हारे घर में किसी को भी रात को घुसा सकता हूँ, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। इसके बाद पीड़ित ने कहा कि उसे एक झूठे मामले में फंसाया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने गजाला परवीन पर आदेशों की अवहेलना, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में ध्यान न देना, अवैध वसूली करने, निकाय की राजस्व वसूली 100% न करने पर कार्यवाही की है। इसके साथ ही उन पर अनाधिकृत व्यक्ति से कार्यालय कार्यों में हस्तक्षेप कराने एवं राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने का आरोप लगाया है। सीएमओ ने गजाला परवीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं शहडोल अटैच किया है। सीएमओ ज्योति सिंह ने कहा कि इन पर कई आरोप थे, पहले इनको नोटिस दिया था, उसका सही जवाब नहीं दिया, इस पर कार्यवाही की है, आरोप पूरी तरह से गलत है। ज्योति सिंह और एसके सिंह के द्वारा तोड़वा दिया गया, कहा गया कि बाथरूम बनेगा तो वहाँ बाथरूम नहीं बना है, और मेरा रूम में छोटा सा एक टॉयलेट बना हुआ है तो उसको वो खाली करने के लिए बोल रही थी, तो मैंने बोला कि मैडम मैं बाथरूम कहाँ जाऊँगी, व्यवस्था बता दीजिए तो मैं रूम खाली कर दूंगी, तो वो बोली कि नहीं मुझसे मतलब नहीं, कहीं भी आप बाथरूम जा सकते। तो रीवा का रहने वाला हूँ और मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, जान का खतरा भी है, तुमको मैं मरवा भी सकता हूँ। राजस्व निरीक्षक के द्वारा एक शिकायत की गई है सीएमओ के विरुद्ध, और प्रथम दृष्टया उसको जांच के लिए हमने डीएसपी जेके को भेजा है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके साथ आगे।